ईरान, हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जारी टेंशन अमेरिका के चुनावी सीजन में भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या इसराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करने वाला है। इस सवाल पर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग राय है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने दोस्त इसराइल को झटका देते हुए दो टूक कहा है कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में उसकी न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा। हालांकि इस मुद्दे पर पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की राय एकदम अलग है। उत्तरी कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इसराइल को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करना चाहिए। अब यहाँ एक और सवाल ये कि अपने दोस्त इसराइल पर अमेरिका के नेताओं की राय अलग अलग क्यों है? राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्यों कहा कि वो ईरानी न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे? क्या अमेरिका का इसराइल से मोह भंग हो गया है? इन सारे सवालों का जवाब व्हाइट हाउस की फ्राइडे प्रेस ब्रीफिंग से मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आश्वासन दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ दिन में 12 घंटे संपर्क में हैं। हम इसराइलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वे क्या करने जा रहे हैं। सभी G7 सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि इसराइल को जवाब देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें जवाब उतना ही देना चाहिए जितनी आवश्यकता है। मतलब ये कि ईरान से इंतकाम के मुद्दे पर अमेरिका इसराइल के साथ तो है, बस न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने पर सहमत नहीं है। दरअसल जब से ईरान ने हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लेते हुए इसराइल पर 200 मिसाइलें बरसाई हैं, तब से ही मीडिया के गलियारों में ये खबर आ रही है कि इस हमले का जवाब इसराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाकर दे सकता है। यहाँ तक कि इसराइल ने अमेरिका को भी ये आश्वासन नहीं दिया है कि वो उसकी बात मानते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। इसराइल इस वक्त अपने दुश्मनों से हिसाब चुकता करने में लगा है। उसने कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से की गई उस अपील को भी नहीं माना था जिसमें लेबनान में सीज फायर की अपील की गई थी। अब देखना होगा कि इसराइल ईरान से अपना बदला कब और कैसे लेता है।